तापमान तो बता रहा है 21 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस फोन में, पर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि एहसास हो रहा है ठंडा ठंडा। एज आई रीच्ड होम और स्कूल में पूरे दिन आज मेरे को ठंड लगती रही पैरों में, जूते अच्छे से पहने हुए उसके बाद भी। सो ये है दिल्ली का हाल। व्हाट्स अप माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज आरपीजे एंड आई होप यू आर फाइन। तो अभी आया हूँ घर पे एंड मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख और चाय की भूख। सो अभी बन रही है चाय, बीवी स्मोकिंग। अबे भाई ये पूरा की डुबो दिया, आपने कहा था उल्टा करके रख दियो, तो पूरा थोड़ी डालना था। और साथ में मैं खाऊंगा सलामी सैंडविच विद एग्स, चढ़ा दीजिए मैडम। अंडे चार अंडे, तो चार अंडे रोज के नहीं खाता मैं 5 खाता हूँ एक बारी में, तो मैं 15 अंडे खाता हूँ। मेरे को तो बड़ी ठंड लगी, तेरे को लगी ठंड? आज अचानक से तापमान ने बदलाव लिया और गिरावट है। नहीं टेम्परेचर तो 20-21 ही दिखा रहा है फोन में, पर वो जो ठंडा ठंडा सा एहसास होता ना वो होने लगा। धूप भी नहीं निकली आज जरा सी भी, नहीं तो अक्सर स्कूल में मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ जहाँ धूप आ रही होती है और थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। दूध वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाय एंड एवरीथिंग। खत्म नहीं हुआ, फट गया हमारा दूध, पता नहीं कैसे फट गया। और मैं ऐसे ही चला गया था नीचे ठंडे ठंडे। मैंने गलती से डार्क चॉकलेट से, मैंने सिर्फ डार्क चॉकलेट पढ़ा और मंगा लिया, मुझे लगा ये इसमें डार्क चॉकलेट के वो छोटे छोटे बिट्स होंगे, बट दिस इज बेक्ड क्रेनोला आलमंड्स इन डार्क चॉकलेट ब्रेकफास्ट। चलो क्रंचिंग के काम आएंगे। तो अजीज शाम के बज रहे हैं अभी 4:20 और हम जा रहे हैं अभी थोड़ी देर लेट हूँ मैं उसके बाद, क्योंकि मुझे जिम जाना है और जिम जाने से पहले रेस्ट करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा ही, और आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात भर चीयू ने सोने नहीं दिया। भाई जब चीखने में चिल्लाने में रोने में लगी पड़ी है रात भर, क्योंकि उसकी ना तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी, एज इन तबीयत खराब एज इन उसका जुकाम बहुत हो रहा था, नाक बह रही थी, बेचारे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ऑब्वियसली हम जैसों को हो जाती है तो उसको भी हो रही होगी, गले में भी हो सकता है उसके दर्द हो, कुछ नहीं पता, छोटा बच्चा है, उन्हें रो रो के अपना गला और खराब कर लिया। सो आज डॉक्टर के पास गई थी वो, डॉक्टर ने भी उसको दवाई वाई दी है, नाउ शी विल बी फाइन। सो इसीलिए अभी सोना जरूरी है क्योंकि रात भर तो ठीक से सोया नहीं मैं, तो अभी सोते हैं, मिलते हैं सोने के बाद, आधे पौन घंटे की नींद होगी 5 बजे, क्योंकि मैं एग्जैक्ट उठ जाऊंगा और उसके बाद जिम के लिए तैयार होकर हम चलेंगे। सी यू आफ्टर सोना। हे गाइस, सोकर से उठ गया हूँ, आधे घंटे की नींद की जगह पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद हो गई, नाउ गोइंग टू द जिम। सो आज करना है जमा करके वर्कआउट, क्योंकि 2 दिन से हो रही है चीट अच्छी खासी। सो कल तो बर्थडे था रबेका का वैसे भी, तो बहुत कुछ हो गया था, आज जाकर के उसको बर्न आउट करें। लेटर दैट सेम इवनिंग, यहाँ पे चल रही है वीडियो एडिटिंग और साथ के साथ एग्स और उधर चढ़ी हुई दाल मिल ली, और रात के बज रहे हैं 9:10। जल्दी से वीडियो को एडिट करके डालना है, अपलोड करना है और फिर आप देख पाएंगे, सब देख पाएंगे। तो हमारी चिमनी जो है वो काफ़ी टाइम से साफ नहीं हुई थी और गंदी हो रही थी, उसके जो फिल्टर से ऐसे भर गए थे जैसे कि लंग्स में टार नहीं भर जाता स्मोकिंग स्मोक कर करके, नहीं खाया जा रहा क्यों, ये क्या हरकत है हुँ? बस वही खाए पूरे दिन में नहीं। और मैंने दूध और रस, बहुत अच्छा। हाँ मन नहीं कर रहा, अभी सूप भी पिया था, मन नहीं किया कर रहा तो फिर रखते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैंने जब उसको धोया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जस्ट, तो मैंने ये चीज मंगाई ताकि ये होता है फ्लश क्लीनर ड्रेनेक्स, सो इसे मैंने गर्म पानी में उसको भिगो के रख दिया थोड़ी देर के लिए, और हालत देखो आप भी कहोगे ये क्या कर रखा है भाई, सी इतना तेल हम खाते हैं उसका जो निकलता है वो ये है, तेल नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो आई होप वो हो गया होगा, देख रहे हो किस तरीके से धुआं छोड़ रहा है ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो डला हुआ है ड्रेनेक्स, इट इज अ केमिकल जिससे पूरा ड्रेन साफ हो जाता है, तो हमें इससे निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते इसमें। Okay. तो ग्लव्स ले सकते हो, देखना धुआं कैसे उठ रहा है, पानी का धुआं नहीं है वो, ये रिएक्शन जो हो रहा है उसका है।
तो बाल्टी नहीं खराब हो रही होगी? अभी भी कितना है इसमें? बाल्टी नहीं खराब हो रही होगी? नहीं, तो मैं इसको एक बार और दूसरे पैकेट में भिगोऊंगा तब जाकर के पूरा निकलेगा। बट काफी हो गया, इसको भी साफ करना पड़ेगा। काफी हो गया? नहीं, अभी एक और गर्म पानी में। देख रहे हो गाइस, ये आधा निकला है, अभी और डलेगा। और निकलेगा पूरा चिपका पड़ा होएगा ना, ये गरम करके तो नहीं निकलेगा, गरम पानी का कुछ लगा के। हाँ रहन दो, कोशिश है नाकाम। हम तो बस इसके ओ साफ कर दिया ये पूरा। वाह यू आर ग्रेट, तो सी ग्रेट हो। यहाँ से भी करना है, यहाँ पर भी है। मैं तो हटाने वाला था, साफ कर दो। मेरा मेहनती पति, स्माइल स्माइल प्लीज। बहुत ही गंदी स्माइल थी। ये हमारी क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है। ये जरूरत थी पर। मुझे ये ऊपर से साफ करवाना है। क्या? जो आप देख रहे हैं शेल्फ के ऊपर, ऊपर से सारा साफ करवाना है। काम ये तो छिपेगा, ये कहाँ जाएगा सामान? या तो इसको जला देंगे लकड़ियों को। हाँ वो तो बॉनफायर में यूज होगी। सर्दी आए तो सही, आज ठंडा है कंपैरेटिवली। अभी ठंडा था जब गए थे? नहीं सुबह ही था मतलब। ओके जी, फाइनली रात के बज रहे 11:20 और अब जा करके मैं नहा धो करके फ्रेश हो गया और सारा काम भी निपटा दिया जो मैंने शुरू किया था। आपको दिखा देता हूँ, बिफोर वाली हालत अपने देख ली, आफ्टर वाली दिखा देता हूँ। आफ्टर प्रोडक्ट देखा, अच्छे से साफ है। अंदर का बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है क्योंकि अंदर घुसाने में ना बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। एनीवे इतना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा साफ है पहले के मुकाबले। तो ये सूखेगा फिर लग जाएगा। तो अजीजों इसी के साथ आज के दिन को हम यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। और ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना भी था हो गया बस। ठीक है, see you in our next vlog. God bless you, take care, bye bye, and your love is all we need. Bye bye, subscribe कर दो अगर पहली बार देख रहे हो, दोबारा से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार देख रहे हो तब भी लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना, कुछ भी कर दो कॉमेंट, थम्स अप, दिल विल प्यार जाए। क्रीम की जगह ऑडोमॉस लगाती है रात को, क्योंकि मेरा पति मच्छरों के लिए कुछ नहीं करता, मैं करने देता हूँ। जेल खोलनी पड़ेगी अब मुझे, बस यही रह गया।